दूंगा। जैसे चौधरी बिलाजुल्फकार एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की ये वीडियो स्टडी इन टर्की के बारे में है कि टर्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पूछना चाह रहे थे MBBS के हवाले से, MS और स्पेशली PhD के हवाले से, कि इधर जो स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, उधर से आफ्टर डिग्री हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, डिग्री के दौरान अगर कोई स्कॉलरशिप्स हैं, या डिफरेंट कंट्रीज़ के जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, या हम आगे उधर से यूरोप के अंदर मूव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ की हिस्ट्री है, बहुत पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये नहीं है कि ये मतलब कि 2, 4, 5, 10 साल पहले बनी हुई हैं, ये गवर्नमेंट बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट्स उधर पढ़ने आए होते हैं। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर स्कॉलरशिप्स भी बिल्कुल मौजूद है। वैसे उधर जो है $3,000-4,000 जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस है, लेकिन स्कॉलरशिप के बाद ये होती है कि आपको $200-300 जो है आपको फीस पे करनी पड़ती है एक सेमेस्टर की। इसी तरह मेडिकल के लिए जो है इनकी भी $500-1,500-2,000 तक एक साल की फीस बनती है, लेकिन मेडिकल के लिए टेस्ट देना पड़ता है, यूएस का टेस्ट जैसे इटली में आईमेट का टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह टर्की के अंदर यूएस का टेस्ट है, वो टेस्ट आपको लाजमी क्लियर करना पड़ता है। लेकिन जो बाकी बैचलर प्रोग्राम है उनके लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम है बैचलर के लिए उनके लिए ये है कि उनमें आपको टर्की लैंग्वेज जो है टर्किश वो बहुत ज़रूरी है, उसी लैंग्वेज के अंदर ही ये प्रोग्राम करवाए जाते हैं। लेकिन जो MS और PhD के प्रोग्राम हैं उनके अंदर जो है आप इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल हैं, टर्किश में भी अवेलेबल हैं, आप जिस भी प्रोग्राम में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा IELTS का जो है वो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और GMAT के टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी टेस्ट जो है आपका उधर एडमिशन हो जाएगा MS और PhD में और बैचलर के लिए। सिर्फ मेडिकल के लिए जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट का भी जो क्राइटेरिया है वो अच्छा खासा क्राइटेरिया है, आपको उसमें तकरीबन 90% के अराउंड अबाउट जो है मार्क्स लेने पड़ते हैं, और FSC में भी जो है आपके तकरीबन 90% के अराउंड अबाउट मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। इसी वजह से आपने पाकिस्तान में भी आपको बहुत कम या ना होने के बराबर आपको बच्चे मिलेंगे, बल्कि मैं कहता हूँ कभी आपने सुना हो या देखा हो कोई ऐसा बच्चा जो टर्की से MBBS करके आया हो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया हो जाता है। एक तो टेस्ट में भी इतने ज़्यादा मार्क्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने एडमिशन लेना हो 90% जो है आपके उससे प्लस जो है। इसी तरह अपना जो आपका NLE IMAT कह रहा हूँ पाकिस्तान में, MDCAT का जो टेस्ट है इसके अंदर भी जो है आपको अच्छे खासे जो है 90% से भी अबव मार्क्स लेने पड़ते हैं, तब जाके आपका मेरिट बनता है। इसी तरह टर्की के भी अंदर भी यही सिनेरियो है, आपको उस टेस्ट के अंदर भी अच्छे खासे स्कोर गेन करना है और आपने FSC के अंदर भी गेन करना है। तो जो लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम है बैचलर्स उनके लिए कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो है वो टर्किश लैंग्वेज में आपको करना पड़ेगा। फीस जो स्कॉलरशिप के बाद आपकी $200-300 आपकी फीस बनती है, पाकिस्तानी 40-50 हज़ार भी नहीं बनते। ये MS और PhD की भी इतनी ही फीस स्कॉलरशिप के बाद बनती है, और डिफरेंट ग्रांट्स वगैरह भी मिल रही होती हैं। ये जो ग्रांट्स होती हैं ये आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है, आपके एवेल्यूएशन जो आपकी रिसर्च एबिलिटीज़ होती हैं, आपके सुपरवाइजर्स आपको जो है आप एक्स्ट्रा जो है आपको बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है स्कॉलरशिप्स और भी होते हैं, सबसे बड़ा जो बेहतरीन स्कॉलरशिप है उधर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद जो आप अवेल कर सकते हैं वो RSMS का स्कॉलरशिप है। RSMS में ये है कि आपको डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या यूनिवर्सिटीज जो है दूसरी UK कनाडा जिन्होंने उनके साथ लिंक किया हुआ है उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके जो है आप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, उनके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ ये एक RSMS एक अलहदा जो है अपना एसोसिएशन है जो स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करती हैं, उनमें आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलता है, आपकी एजुकेशन भी फ्री हो जाती है, और आप अच्छे कंट्रीज़ के अंदर से आप एजुकेशन भी अपना गेन करके ले आते हैं। इसी तरह एजुकेशन के बाद जो है आप उधर रह सकते हैं टर्की के अंदर भी जो है आप उधर, इसके अलावा ड्यूरिंग जो स्टडी भी आप जो है उधर जॉब वगैरह कर सकते हैं पार्ट टाइम। इसके अलावा आप उधर बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर वगैरह साथ लगते हैं, आप कॉन्फ्रेंस वगैरह पर उधर जा सकते हैं, ठीक है, इजीली जा सकते हैं। पाकिस्तान से तो बहुत कम रेशो है वीज़े की, लेकिन उधर से जब आप जाते हैं तो आपको बहुत ही 100% जो है ब्राइट चांसेस होते हैं। उधर से ट्रेन वगैरह भी जा रही होती हैं सम टाइम जो है, तो उसके अलावा आप प्लेन वगैरह पे भी जा सकते हैं, वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है। पाकिस्तान से ही नहीं मिलता, उधर से आपको वीज़ा मिल जाते हैं, जाके आप कॉन्फ्रेंस वगैरह और जो है आप उधर लिंक्स वगैरह अपने बहाल कर सकते हैं रिसर्च वगैरह के। जिस तरह उधर फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह आए होते हैं तो आपके अंदर एबिलिटीज़ वगैरह हैं तो वो आपको उन प्रोजेक्ट के अंदर भी रख लेते हैं, ठीक है। और इनकी एजुकेशन जो है ये पूरी दुनिया में वैलिड है, स्पेशली यूरोप के अंदर जो है, तो आप कहीं भी जाके वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं MS PhD करने के बाद। तो PhD के बाद उधर पोस्ट डॉक्टरेट के भी ऑप्शन वगैरह अवेलेबल होते हैं,
टेस्ट वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुपरवाइज़र वगैरह सर्च आउट करने की भी जरूरत नहीं है। इनमें एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करेंगे, ठीक है। साथ में जो इनकी प्रोसेस है, एडमिशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, तकरीबन जो आपका इनिशियल खर्चा होगा वो 1000 से 1500 डॉलर है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती हैं, आपका उधर से एडमिशन लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर और एम्बेसी के जो प्रोसेसिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी बैंक स्टेटमेंट जो है, आपको मैक्सिमम 8-10 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसके अलावा आयल्स आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जी मैट के टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। यही इनकी जो है माइनर सी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या जो है मेल आईडी के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई आपका और क्वेश्चन है वो आप हमें पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर।